नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोला इनटेक ऑफ ओआरएस इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ, अभी जो ओआरएस हम लेते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है, तो ये जो ओआरएस लेते हैं ओआरएस का जो सॉल्यूशन होता है इसमें क्या रहता है, इसमें हमारे सॉल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, सॉल्ट्स यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। तो जब आप ओआरएस लेते हैं तो ओआरएस लेने से क्या होता है, सॉल्ट्स इन बॉडी फ्लूइड्स ये बढ़ते हैं, है ना, बॉडी फ्लूइड या सिंपल हम ब्लड मेंशन कर लेते हैं, ये बढ़ेगा। जब सॉल्ट्स ब्लड में बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी वजह से फ्लूइड या वाटर रिटेंशन होगा, फ्लूइड और वाटर रिटेंशन होगा, ठीक है, वाटर रिटेंशन होगा, ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्रिवेंशन ऑफ डिहाइड्रेशन। जब प्रिवेंशन ऑफ डिहाइड्रेशन होगा, जब डिहाइड्रेशन का प्रिवेंशन होगा, तो जब देखिए जब ओआरएस की रिक्वायरमेंट कब थी, ओआरएस की रिक्वायरमेंट थी डायरिया में या डिहाइड्रेशन के केस में या डिहाइड्रेशन, है ना। तो इस वाले केस में तो क्या होता है, इस वाले केस में यदि हम बात करें, इस वाले केस के अंदर हमारा जो एडीएच है, एडीएच है जिसको आप वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, इसका रिलीज तो होता है ना, इसका रिलीज जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगा, जबकि जैसे ही प्रिवेंशन ऑफ डिहाइड्रेशन होगा तो एडीएच सिक्रीशन क्या हो जाएगा, जैसे ही ये होना स्टार्ट होगा तो एडीएच सिक्रीशन क्या होगा, इसको नेगेटिव फीडबैक मिल जाएगा, नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। तो इसका इनहिबिशन हो जाएगा, एडीएच का वैसोप्रेसिन का इनहिबिशन हो जाएगा, तो ए ही हमारा आंसर आ जाएगा, बाकी जो है वो रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। बाकी का हम यहाँ पे कोई लेना देना नहीं करेंगे, ना ही ऑक्सीटोसिन का, ना ही मेलेटोनिन का और ना ही थायरोक्सिन का, फाइन, क्योंकि हमारा यहाँ पर देखिए क्या है, ओआरएस जो है इस तरीके से एडीएच रिलीज को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। तो क्वेश्चन हम ईजी तो नहीं बोलेंगे, मीडियम कैटेगरी में डाल देते हैं,